फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए। कब कौन जो है बाजी मार जाए पता नहीं चलता। जब पठान मूवी रिलीज होने से पहले इतनी ट्रोल हुई थी या इतनी बायकॉट हुई थी कि बता नहीं सकते। जहाँ पे सभी जो है हर यूट्यूब या हर मीडिया वाले सिर्फ पठान की ही बातें कर रहे थे कि पठान नहीं चलेगी, लेकिन पठान ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। कहते हैं ना कि अगर आपकी मूवी अच्छी होगी तो बायकॉट का भी आप पे असर नहीं पड़ेगा, पब्लिक खुद खींची आ जाएगी। पब्लिक तो खुद ही बोर हो रही है कोरोना के बाद, या अपनी बिजी लाइफ इतनी हो चुकी है कि उन्हें एक अच्छा एंटरटेनमेंट चाहिए। और अगर वो एंटरटेनमेंट भी अच्छा नहीं मिलता तो फिर ऐसा लगता है कहीं बायकॉट का असर तो नहीं हुआ था, ये जो है प्रोडक्शन को लगता है। लेकिन जब मूवी अच्छी होगी तो पब्लिक खुद आपके पास खींचे आएगी। कहते हैं ना, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, बिकेगा जरूर, भले ही देर में बिकेगा, लेकिन थिएटर में शुरू में जो है फैंस जाते हैं, फिर वही बताते हैं कि मूवी कैसी है। फैंस के साथ कुछ ऐसे भी जाते हैं जो कि इन्हें लगता है कि मूवी काफ़ी दिन बाद आई है, देखनी चाहिए कैसी है, फिर वही बताते हैं आगे कि मूवी कैसी होती है। और आजकल तो यूट्यूब वगैरह इतना पॉपुलर हो गया है कि आपको घर में बैठे ही पता चल जाता है कि मूवी कैसी होगी, ताकि आपको थिएटर में जाने टिकट लेने से पहले ही मन में आइडिया आ जाए कि इस मूवी का रिव्यू ऐसा है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान, आज जो है रिलीज़ हुई है सलमान खान की मूवी, जिसके गाने सुपर हिट गए हैं, जो पहले ही रिलीज़ हो गए थे। और बात करते हैं उसमें सपोर्टिंग कास्ट में काफ़ी जो है टीवी एक्टर्स को लिया गया है, कह सकते हैं उन्हें एक मौका दिया गया है, फिर चाहे वो शहनाज गिल हो, सिद्धार्थ हो, या फिर बहुत सारे ऐसे सितारे। लेकिन यहाँ पे बात आती है सबसे बड़ी, क्यों कर रहे हैं किसी का भाई किसी की जान को बायकॉट। भाई, दो दिन पहले जो है चर्चाओं में काफ़ी ट्रेंड में थी, लेकिन जो है आज जो है मूवी रिलीज़ होते ही बायकॉट वाले खड़े हो गए और ट्विटर पे बायकॉट करने लगे। तो क्या है राय, तो डियर बताते हैं आपको पूरा सच। सबसे पहले तो आपने अगर सुशांत सिंह राजपूत ने जब सुसाइड किया था तो सबसे ज़्यादा ट्विटर पे क्या चीज़ जो है बायकॉट किया गया था, बॉलीवुड बायकॉट, बॉलीवुड पतन, यानी कि बॉलीवुड को पूरा ख़त्म करना है। तो ऐसे में आज जो है सुशांत सिंह के जो फैंस हैं या जो ग्रुप है वो लग चुके हैं ट्विटर पे कि सलमान खान की मूवी बिल्कुल चलने नहीं देनी है। ऐसे ही बिल्कुल शाहरुख खान की भी मूवी की थी, लेकिन मूवी अच्छी थी तो पब्लिक खुद खींचे आ गई और फिर वो बायकॉट वाले पता ही नहीं कहाँ चले गए। अब जो है सलमान खान की मूवी रिलीज़ हुई है और उसे बायकॉट करना शुरू कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हुआ था, हम बॉलीवुड की कोई मूवी नहीं चलने देंगे। और ऐसे में अभी मूवी जो है 60,000 जो है एडवांस में बुकिंग हुई है। तो ऐसे में जो फैंस हैं या ईद जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो तो देखने जाएंगे ही, और जब ही पता चलेगा कि मूवी आखिरकार कैसी है। जब गाने अच्छे लगे थे, टीज़र अच्छा लगा था, तो उम्मीद है कि मूवी भी फैंस के दिल पर उतरेगी। और काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है सलमान खान की मूवी थिएटर में नज़र आ रही है। इससे पहले हम उन्हें OTT वगैरह पे देख चुके हैं, G5 वगैरह पे, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम बाद हम उन्हें थिएटर में देख रहे हैं। तो ऐसे में जो है बायकॉट करने वालों का क्या असर वाकई ही पड़ेगा कि सुशांत सिंह राजपूत की वजह ने जो किया, उनके जो फैंस हैं उन्हें जो है थोड़ी तकलीफ़ है, बायकॉट कर रहे हैं वो, फिर चाहे वो खान फैमिली हो या करण जौहर की हो या फिर बाकी अदर हो। तो आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।